रेडी टू लॉन्च। क्रेजी मोमेंट बैलून आता हुआ। वाह ये आ गया है पैराशूट रॉकेट। तो दोस्तों ये है हमारा रॉकेट, आसमान में जाकर आ गया है और बहुत ही खुशी की बात है। हमने 5 टेस्ट किए थे, 5 में से 5 ही फेल हो गए थे, ये छठवां है। इससे आप देख सकते हो कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये रॉकेट है, ये ऊपर जाकर है। वीडियो बनाया है हमने, कैसे बनाते हैं वीडियो में देख लेना, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट ज़रूर करना, दोबारा बता देंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों मैं फ्यूल तैयार कर रहा हूँ, ये शुगर का रॉकेट बनाएंगे अपन, इनको अच्छी तरह मिला लेंगे। और ये फ्यूल बन जाने के बाद हम रॉकेट में भरेंगे। बना रहे हैं इसलिए मैं ये नहीं बताऊंगा कि शुगर रॉकेट कैसे बनाते हैं। इसके लिए आप होम पेज पर और वीडियो है शुगर रॉकेट का बनाया हुआ है, वो आप देखकर बना लेना, ठीक है। और उसी वीडियो में यह भी बताया गया है ये पीवीसी की पाइप है, इसको कैसे बनाना है। यहाँ मैंने एम सील लगाई है और इसमें एक छेद रखा है ऐसे पाइप। तो दोस्तों देखते हैं इस फ्यूल को जलता है कि नहीं, कैसा बना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस कागज़ पर ले लूँगा थोड़ा सा, मैं चेक ही करना है इसलिए थोड़ा सा लेंगे और यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। अब इस पर देख रहा, मैं आग लगाता हूँ। तो एकदम गठिया बनाए। फ्यूल पूरा जल गया, इसका मतलब फ्यूल अच्छा है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें क्या करना है ये देख लेना आप वीडियो में कैसे काम करता है। तो इसको हमें यहाँ तक भरना है अभी फ्यूल से, ठीक। मैं भरता हूँ इसमें, फ्यूल जितना डेंस होगा रॉकेट उड़ने के चांस उतने ही रहेंगे। तो इसको इससे ऐसे अच्छे से ठोक देना है। फिर और डाल देना है इसमें। दोस्तों फ्यूल तो हमने इसमें भर लिया है, पैराशूट लगाने के लिए हमें मैकेनिज्म लगानी पड़ेगी इसमें। हमें क्या करना है, जहाँ तक फ्यूल आ रहा है वहाँ तक हमें छेद करना है, एक इधर और एक इसके अपोजिट साइड में, ठीक है। तो किससे करें, औजार भी नहीं है, कहाँ गया, इससे देखते हैं इससे होता है क्या। मैं ये छेद करने की कोशिश कर रहा हूँ।
ऐसे बना लेने एक इधर और एक इधर, ठीक है, यहाँ तक ही फ्यूल है इसमें। अब आपको लेना है एक ऐसा वायर, एल्यूमिनियम का लिया है मैंने, तो इसमें यहाँ से डालना है और उधर ऐसे निकाल लेना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एक्स्ट्रा वायर है उसको तो कट कर देना है और इसको नीचे की तरफ थोड़ा सुखा देना है। ऐसे ये मैकेनिज्म बना रहे हैं अपने, पैराशूट खुल देगी। अब देखो क्या करना है, जैसे हो गए, अब एक रबर लेना है आपको, ठीक है, ये रबर ऐसे डाल के और ऐसे डालेंगे, ठीक है। अब रहा ये बीच वाला, ये इसके अंदर डालना है, इस वायर के अंदर, जैसे ईंधन से ये फरी होगा वहाँ से तो ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा ऐसे और पैराशूट ओपन हो जाएंगे, ठीक। इसकी मैकेनिज्म है, बनाकर देखते हैं। अब दोस्तों यही मैकेनिज्म है पैराशूट को रिलीज करने की, ये पहली बार कर रहे हैं हम, काम करेगी या नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन करते हैं। थोड़ा सा फ्यूल एक्स्ट्रा है, मैं निकाल लेता हूँ। दोस्तों ये धागा इस वायर के ऐसे इधर से जाकर उधर से लेकर आना है बाहर, लेकिन मेरे से हो नहीं रहा है, इसलिए एक आइडिया है मेरे पास कि इस वायर को सीधा करके वापस निकालने की कोशिश कर रहे हैं बाहर, ताकि वो डल जाए। तो मैं अब क्या करता हूँ, इस वायर को ऐसे डबल करके ऐसे करके और अंदर डाल दे रहा हूँ। सावधानी से करना है आपको काम। डल जा डल जा डल जा, साइड डल गया। वाह, देखो यहाँ से दिखाओ कैमरा मैन, इसको मैंने तार के ऊपर से ले लिया है, ऐसे आपको डाल लेना है। वायर को वापस मोड़ देते हैं, ठीक है। ये देखो धागा ऐसे डाल दिया। अब करना क्या है हमें, पहले तो एक गांठ लगा लेते हैं, ठीक। अब आपको करना क्या है, ये रबर बैंड है, ठीक है, इसको बीच में से ऐसे बांधना है। ये मुश्किल सा काम है थोड़ा सा, देखते हैं इसको करके होता है कि नहीं। मैं एक गांठ लगा कर बांधने की कोशिश कर रहा हूँ, बंध जाएगा तो ठीक है, वरना इसका कोई और सॉल्यूशन निकालेंगे। ये जितनी गहराई तक जाएगा उतना ही इसमें ताकत ज़्यादा रहेगी, इसको एकदम गहराई तक ले जाने की कोशिश करूँ। ज़्यादा गहरा भी नहीं होना चाहिए कि हमारा रबर ही जल जाए, वरना तो पैरा सूट इजेक्ट ही नहीं होंगे। मेरे को लग रहा है कि इतनी ऊंचाई का फिर मैं एक और गांठ दे देता हूँ ताकि ये खुल जाए।
पास में। ये दोस्तों मैंने रबर के दोनों साइड निकाल लिए और इनको ऐसे इनमें डाल देना है ऐसे। अब देखो क्या है इसके अंदर, देखो जैसे धागा जलेगा तो पैराशूट ये रबर ऊपर की ओर आएगा, ऊपर की आते ही यहाँ से पैराशूट रखेंगे वो ऊपर चला जाएगा। ठीक, ऊपर जाने के बाद निकल जाएगा। पहले ये ईंधन है, ये जलेगा तो रॉकेट ऊपर चला जाएगा, फिर फ्यूल ख़त्म होगा तो यहाँ से ये धागा जल जाएगा और रबर ऊपर आ जाएगा और ऊपर आने के बाद फिर ये इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रबर को जलने से बचाने के लिए क्या करेंगे भैया, कागज के टुकड़े डाल देंगे इसमें ताकि आग है वो ऊपर तक ना आए। और शूल भी हमारा ऊपर ना आए। कर देना रॉकेट को सही सलामत ले आएंगे, इनको करते हैं फेक। इनको बनाने के लिए मैंने देखो दो धागे लिए, वैसे बांध दिया है, अब इनको इनमें फिट करते हैं। इतना ही डालेंगे भाई, रबर इनको ही फेंक सकता है। ठीक है, फिर क्या करना है, ये धागे ऐसे लेकर ऐसे गोल गोल लपेट लेंगे। इसे घुमा कर ऐसे करके और इस वायर में डाल देने। ठीक है, अब कल इसको है ना मॉर्निंग में इसका प्रक्षेप करेंगे, फिर पता चलेगा क्या होता है। धन्यवाद।